मेरे हिसाब से गाना इंटरनेशनल नहीं है, ये गाना अंतरराष्ट्रीय है। We all are loving it. We're going crazy over this song. लोग अब ये नहीं कह रहे what is up because the answer is too obvious. Anything and everything, सब भूल जाओ. Right now, only designer is up and how. मेरे हिसाब से गाना international नहीं है, ये गाना अंतर्राष्ट्रीय है. और finally ये गाना बना, फिर उसके बाद हमने गाना complete किया और मैंने इसमें rap किया पूरा और finally हमने shoot किया. दिव्या जी इसमें आई. टी सीरीज ने इस गाने में बिलीव किया एंड फाइनली द सॉन्ग इज हियर एंड एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट. थैंक यू सो मच फॉर गुरुपाजी. दिस वन्स फॉर यू. प्लीज बताइए आपका एक्सपीरियंस बिकॉज अभी आई सॉ यू बैकस्टेज और दोनों जो चिल कर रहे थे, जिस हिसाब से वाइब कर रहे थे ना, दैट वाज टू गुड. उसके बारे में बता दो. आई थिंक हनी भाई का मैं फ्रॉम कॉलेज टाइम फैन हूँ और मैं ऑलवेज भाई का फैन रहूंगा और मैं चाहता हूँ आप सब एक बार हनी भाई के लिए शोर मचाओ. क्योंकि भाई को मैंने बहुत डिफरेंट लेवल पे देखा है और हर बार नई चीज लेके आते हैं और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे वोकल्स के ऊपर इनका म्यूजिक आया और इन्होंने गाने के ऊपर बिलीव करा. इन्होंने वोकल्स को ट्रीट ऐसा करा कि गाना एकदम डिफरेंट सुनने में लगने लग गया. और जब हमने भूषण सर को गाना भेजा, जब हमने कोलैबोरेशन की बात करी, तो सर हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, हनी भाई को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, मेरे को थोड़ा सा, बट हमने वो गाना दे के वो प्यार जो उनका जो करते हैं हमें, उस प्यार को और बढ़ाया. और भूषण सर का थैंक यू इतना बड़ा म्यूज़िक वीडियो हमें बनाने के लिए बनाने देने के लिए. और दिव्या मैम सॉन्ग में आए, सॉन्ग को और चार चांद लग गए और आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया इज प्रेजिंग हर बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड द वे शी कैरीड हरसेल्फ इन द वीडियो. एक बार मैम के लिए भी क्लैपिंग करो, दिव्या मैम के लिए एवरीबडी. और डिजाइनर की यहाँ तक बात है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो गाने को फ्रॉम डे वन, अभी दो तीन दिन हुए रिलीज हुए को, बट आप लोग रोज गाने को सुन रहे हो. एक बार डिजाइनर कर दो सारे डिजाइनर. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. वी लुक फॉरवर्ड टू सर्व मोर म्यूजिक टू यू गाइस एंड आपका प्यार ऐसा ही बना रहे ताकि हम और मेहनत करें आप सबके लिए गाना नया बनाने के लिए. यही वाला सुनने के लिए हम लोग मरे जा रहे हैं एक बार नहीं लगातार. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, डिजाइनर की बात हो रही है तो इस गाने के जो डिजाइनर है द डायरेक्टर साहब, वुड लाइक टू इनवाइट हिम अप ऑन दिस. तो हनी आप से शुरू करूंगा. व्हाट इज विद दिस यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कुछ नया लेके आ रहे हो, फैंस डिमांड और इस समय यू कोलैबोरेट विद दिस जेंटलमैन हियर, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, सबसे पहले मैं गुरु रंधावा की तारीफ ये करना चाहूँगा कि सिंगर से ज़्यादा बहुत बेहतरीन इंसान है, वो बहुत गर्वित भी है. और जब मैं इस मिला पहली बारी 2022 में, सॉरी, तो लॉकडाउन में इन्होंने मुझे इस गाने के लिए वही हाथ रवि मिलने में बना दिया था. Congratulations. मतलब ये क्या कर डाला, कैसे कर डाला, प्लीज बताइए इसके बारे में. मेरे को गाना हनी भाई 2020 में मिला था, तो हनी भाई का कोई भी गाना होता है ना, गाना नहीं होता, वो एक मूवी होती है. इट इज लाइक आप गाना नहीं क्रिएट कर सकते, उसके कुछ एक स्टोरी होनी चाहिए, एक विजुअल डिमांड करता है. और ये इतना बड़ा गाना था, द प्रोडक्शन वाज सो ह्यूज. सो जब मैंने सोचा कि गुरु भाई इस गाने को कोलैबोरेट कर रहे हैं, आई वाज लाइक कि ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है. देन वी क्रैक्ड द कांसेप्ट ऑफ अ फैशन शो, तो कभी भी किसी भी जगह और उस फैशन शो को ही क्रैक करने में हमने सोचा था, हमने गाना लंदन में करेंगे, रशिया में करेंगे, आबू धाबी में करेंगे, सबकी डिजिटल रीति हो चुकी है, सब कुछ.
but finally we did the video in Bombay and it came out really well and people are loving the visuals and बहुत बहुत ज़्यादा appreciation आ रहा है और all thanks to three of them like they were so good on screen and हनी भाई के साथ आप जब होते हो तो आप अच्छा कुछ सीख लेते हो सारा विजन ही उन्होंने डेवलप किया मैं एक चीज मीर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने अपनी लाइफ में काम किया लेकिन एक चीज को विजुलाइज करना बहुत आसान है कि यार हम ये कर देंगे पानी ये कर देंगे पानी वो कर देंगे लेकिन फाइनली प्रैक्टिकली उसको दिखाना और छापना और यहाँ तक लेकर आना बहुत बड़ी बात है प्रैक्टिकली लगाना इम्पॉसिबल था तीन दिन में शूट करना इतने बड़े सेटअप ये लोगों ने 18-18 घंटे की शिफ्ट करी है तीन दिन तक ये लोग सोए नहीं उससे 10 दिन बाद भी सोए थोड़ा सा स्पिल द बीट एसी सो लाइक ऐसा एकदम काम ऑन द सेट्स हाउ इज इट अरे बहुत शराब दिया पेन में बहुत बहुत शराब जो बंदा शांत होता है ना वही बंदा शैतान होता है ये छपने वाला है ladies and gentlemen we take a look at the video of this amazing amazing track तो एक बार जोरदार ताली होना है for this amazing dream dream team है designer thank you so much everybody so music Congratulations. मतलब ये क्या कर डाला कैसे कर डाला प्लीज बताइए इसके बारे में मेरे को ये गाना हनी भाई ने 2020 में भेजा था तो हनी भाई का कोई भी गाना होता है ना गाना नहीं होता वो एक मूवी होती है इट इज लाइक आप गाना नहीं क्रिएट कर सकते उसकी कुछ एक स्टोरी होनी चाहिए एक विजुअल डिमांड करता है और ये इतना बड़ा गाना था द प्रोडक्शन वाज सो ह्यूज सो जब मैंने सोचा कि गुरु भाई इस गाने को कोलैबोरेट कर रहे हैं आई वाज लाइक कि ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है देन जो बंदा शांत होता है ना वही बंदा शैतान होता है ये छपने वाला है ladies and gentlemen we take a look at the video of this amazing amazing track तो एक बार जोरदार ताली होना है for this amazing dream dream team है